शो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज अपन आया फिर से उसी पार्क में। आज मेरे साथ है अंश भी है और लक्ष्य भी है और चीनू भी है। अपन सारे आ जाए इसी पार्क में दोबारा से। और आज पीड़ी नहीं आया हमारे साथ। फिर देखो ये लक्ष्य पहले एक्सरसाइज करने लग गया। आते ही भाई एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है। अब हम आए हैं डिफेंस पार्क में। ये देखो ये डिफेंस पार्क यहाँ से कुछ ऐसा है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं अपने। और ये देखो ये अंश पीढ़ी और अंश वगैरह सारे हैं। वो कह रहा है कि उसे भी सही से देखो। उस साइड पे भी खेल सकते हैं, यहाँ पे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उस साइड पे खेल सकते हैं बैडमिंटन वगैरह और इधर क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं। इस तरह से सब व्यू है इस पार्क का। चुप रहा है। मैं आ चुका हूँ पार्क से घर पर और मैं आऊँगा अभी दिया को ले रहे ट्यूशन से। ये है इसका ट्यूशन, मैं आपको ट्यूशन दिखाता हूँ। ये वाला ट्यूशन है उसका, ऊपर है थर्ड फ्लोर। अभी आ रही है देविका, दिया देविका नाम है वैसे उसका, तो अभी आएगी तो फिर दिखाते हैं आपको। देखो गाइस दिया और प्रिया दोनों आ चुके हैं। चलो जल्दी आ। देखो दिया आ गई है, चल फटाफट चल। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी छत पर। दिया को मैं ले आया था पार्क से, भी आ चुका था। अब मैं आऊँ छत पर पौधों को पानी देने के लिए। पौधे भी अच्छे हो रहे हैं हमारे दो तीन दिनों से, बिकॉज इन्हें बारिश का पानी लगा था तब से ये ठीक होने लग चुके हैं। तो अच्छे होने हो चुके हैं, पहले पानी देते हैं इन्हें। सो गाइस देखो ये वाला जो है ना, ये वाला और बड़ा हो चुका है, अच्छे खासे ये बड़े हो जाए। इसमें देखो एक और आ चुका है, वो वाला भी देखो कितना बड़ा हो गया। बस इन्हें धूप लगती रहे ना तो ये सही रहेंगे। तो पौधे को मैंने दे दिया यहाँ पर पानी और एक चीज़ और खत्म कर। देखो वो हमारा फ्लैग है, देखो कैसे नीचे गिरा पड़ा है। अगर यार देखो केयर नहीं कर सकते ना फ्लैग की तो लगाया भी मत करो। वो देखो किस तरीके से नीछे गिरा पड़ा है। और वो बंदे रोज़ आते हैं छत पे, देखते भी हैं लेकिन उठाते नहीं। अगर केयर नहीं कर सकते ना तो यार फ्लैग मत लगाया करो प्लीज़। ऐसे भाई देखो अगर आप केयर नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी फ्लैग मत लगाओ, क्योंकि भाई ये हमारे देश का ही झंडा है, हमारे देश का ही फ्लैग है। और आप इसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो आप यार किसी की क्या रिस्पेक्ट करोगे। तो प्लीज़ यार रिस्पेक्ट करना सीखो, और अगर आप ऐसे झंडा लगाते हो तो उसकी भी केयर करो। सो गाइस वहाँ पे देखो सनसेट हो रहा है और यार कितना अच्छा मौसम लग रहा है। मैं इसका टाइम लैप्स लेता हूँ, आप पहले टाइम लैप्स देखना कितना प्यारा लग रहा है ये। तो कल मैं ट्राई करूँगा कि सनसेट की मैं वीडियो लूँ, वीडियो बनाऊँगा अच्छे तरीके से, टाइम लैप्स बनाऊँगा। अगर उसके लिए बस मेरे को जल्दी आना पड़ेगा। और अब छत पे मौसम काफ़ी अच्छा होने लग गया है, क्योंकि पहले ऐसे ठंड थी अब ठंड नहीं है, अब मौसम काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि छत पे आके फिर एक्सरसाइज करनी शुरू कर दूँ। एक दो दिन और देखता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी हवा ठंड कम हो जाए, जो ठंडा मौसम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा गर्मी वाला मौसम आ जाएगा, फिर मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह शुरू करूँगा। सो गाइस ये थोड़े से पौधे और बड़े हो जाए फिर इन सबको मैं उठा के उधर ही रख दूँगा। नहीं सॉरी, ये वाले को उठा के मैं उधर रख दूँगा, क्योंकि इसकी बेल निकलती है वो पीढ़ी पीछे तक जाती है। अगर ये ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं सबको ही रख दूँगा उस साइड पे, क्योंकि ये एक अकेला सही नहीं रहेगा, सबके साथ ग्रुप में रखूँगा सब सही रहेगा। यहाँ इसी जगह पर रख दूँगा मैं, पहले मैंने यहाँ पर रख रखे थे पूरी वहाँ से लेके पूरी नीचे तक बेल जा रही थी इनकी, बट अब वो टूट चुका है कट चुका है तो दोबारा से उगेगा तो फिर मैं दोबारा वहीं पर ही रख दूँगा। और ये हैप्पी 15 अगस्त आने वाला है, काफ़ी टाइम है वैसे तो, लेकिन बंदों ने कुछ अभी से तैयारी शुरू कर दी है। एक इन बंदों ने और वो दोपहर में अब उड़ाते हैं, शाम में नहीं उड़ाते अब दोपहर में उड़ाते हैं। लेकिन उस भाई ने 15 अगस्त की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। भाई काफ़ी अच्छा है, 15 अगस्त की तैयारी तो उन्हें शुरू कर दी है, ताकि देखो आने वाले 15 अगस्त में पतंग उड़ानी आराम से आ जाए। सो गाइस देखो दिया आज भी पड़ रही है, मैं पिक्चर देख रहा हूं बैठ के। दिया देखो आज भी पड़ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस देखो दिया आज भी पड़ रही है। हेलो दिया, दिया क्या हो गया तेरे को? मेरे को लग रहा है तेरी दो तीन दिन से तबीयत ख़राब है, तू पढ़ाई कर रही है? तबीयत तो ठीक है तेरी मेरी बच्ची? ओ माय गॉड, ये देखो फ़ोन के साथ पढ़ाइयाँ,
वाओ राइटिंग तो अच्छी है, छोड़ियो राइटिंग तो अच्छी है तेरी, अच्छी है गाइस। एक दिन मैं आपको अपनी राइटिंग दिखाऊंगा, आप बताना। मैं एक दिन आपको अपनी राइटिंग दिखाऊंगा, राइटिंग देखना मेरी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह है। और इसकी राइटिंग देखो अच्छी है, कमेंट सेक्शन में मेरी राइटिंग देखना आप एक दिन, आपको मजा आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताओ मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है कि नहीं। सो गाइस देखो दिया अभी भी पढ़ रही है। दिया खाना नहीं खाना है? मैं तो खाना खा रहा हूँ, खाने में दाल एंड रोटी, मैं तो खाना खा रहा हूँ। या तू भी फटाफट खाना खा ले, खा ले खा ले फटाफट खाना। ये अभी तक पढ़ रही है बेचारी, कितना बोझ रहता है इसके ऊपर, कितना बोझ है। तो मैं फटाफट वीडियो एडिट करके अपलोड पे लगा देता हूँ, दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे, फटाफट मैं वीडियो एडिट करके अपलोड पर लगाता हूँ। फिर नीचे गई है सोने के लिए आंटी के पास, मैं आ चुका हूँ किचन में, मैं अपनी लिए दूध गर्म कर रहा हूँ। तो अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।